रतलाम जिले के नामली नगर परिषद के पुराने बस स्टैंड अंबेडकर चौराहे पर बनी दुकानों पर नीलामी होने से पहले ही वहीं फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वाले गरीबों ने कब्जा कर लिया है। वर्षों से बूट पॉलिश और चप्पल जूते सुधारकर अपना जीवन यापन करने वाले को लेकर करीबन 3 वर्ष पहले नगर परिषद ने अंबेडकर चौराहे पर फुटपाथ से हटाकर पक्की दुकानों का निर्माण कर उन्हें दुकानें देने की बात भी कही थी, मगर लंबे समय होने के बाद भी नगर परिषद द्वारा दुकानें नीलामी नहीं होने पर फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वालों ने कब्जा कर लिया। इसी को लेकर फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वालों में आपस में ही कब्जे को लेकर नगर परिषद CMO को शिकायत की गई और बताया गया कि इस अंबेडकर चौराहे पर हमारी दुकान फुटपाथ पर लगती थी, मगर नीलामी से पहले ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। आपको नगर पंचायत में शिकायत करने गए आप? हमारे पिताजी बैठते थे, मेरे अंकल बैठते थे, 40 वर्षों से यहाँ बैठते थे, उनकी जगह मेरे को दोनों में से एक दुकान भी नहीं मिली और यहाँ ताले तोड़कर जबरन में अधिकार कर लिया गया है इन पे और मेरे को बोलने पर लड़ाई झगड़े करने के लिए सामने आ रहे हैं क्या। और मैं नगर परिषद में कहने गया तो नगर परिषद वाले भी ने आवेदन लिया है, उसको कोई चर्चा का विषय नहीं मान रहे हैं वो। क्या दुकानें अभी नीलाम नहीं हो पाई थी क्या? अभी नीलाम नहीं हुई दुकानें और उनके ताले जबरन में तोड़ दिए गए और उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। आप क्या चाहते हो उसमें? ये या तो नीलामी हो इन दुकानों की या फिर इनको जो जितने वर्षों से जो पुराना आदमी उस हिसाब से वितरण करी जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज जोगचंद है और मेरे पिता अंकल का नाम कन्हैयालाल कालूराम है और मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल कालूराम, जो 40 वर्षों से यहाँ इसी दुकान चौपाटी पर बूट पॉलिश का धंधा करते थे। उसको लेके सास की दुकान कब्जा कर दिया गया, उसको लेके क्या क्या कार्रवाई होगी? मैं आज तो अवकाश का दिन है, मैं इसकी पूरी प्रकरण पत्रिका देखने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा कि किस कोटे के तहत इन दुकानों का निर्माण किया गया था और किन लोगों को आवंटित की जाना थी, अभी तक आवंटित क्यों नहीं हुई, इन सब बातों को देखने के बाद ही मैं अपना कुछ बोल पाऊंगा। समय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।